अनूप शहर क्षेत्र के गांव बेगमपुर उर्फ जयरामपुर में नरेंद्र राव के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का भव्य स्वागत किया। मंच पर पूर्व में कलाकारों द्वारा रागनी कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांति प्रसाद शर्मा, प्रदेश सचिव संचालन डॉक्टर जोगेंद्र अजनारा ने की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों की समस्या के लिए उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। कहा, किसान आयोग का गठन हो, किसानों का कर्ज माफ हो, 60 साल के किसानों की 10,000 मासिक पेंशन, बिजली का बिल माफ हो, नलकूपों से विद्युत मीटर हटाई जाए, सहकारी चीनी मिल अनूप शहर की क्षमता 25% से बढ़ाकर 50% की जाए। इस अवसर पर जल देवी शर्मा, सतीश चंद राजकुमार, अमित प्रदीप कुमार, जितेंद्र सिंह, संतोष सिंह, योगेश प्रताप, कुलदीप गुड्डू, जितेंद्र चाहर, राज सिंह, राघव प्रदीप द्विवेदी, रविंद्र शर्मा, आदेश कुमार, कामरान, अनु बाबा, प्रमोद शर्मा, सुरेंद्र चौधरी आदि उपस्थित रहे। शांति सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। बुलंदशहर से अनूप शहर से संवाददाता रविंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। मैं भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो ब्रज के विरक्त संत पूजनीय रमेश बाबा ने ब्रज भानु के नाम पर भारतीय किसान भानु बनाया है। जी, तुलसीदास ने लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विवेक शरीरा, हरय कृपा ने सज्जन पीरा। त्रेता में राम को आना पड़ा था अत्याचार के खिलाफ, द्वापुर में श्री कृष्ण को आना पड़ा अत्याचार के खिलाफ, इसी युग में गांधी भी आए अंग्रेजों से लड़ने, आया सुराज यानी देश हो गया आजाद। आजादी में मेरे विचार से मैं भानु प्रताप सिंह हूँ, क्यों कि ये भी लिखा गया है, तुलसीदास लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो एक मैं मनुष्य हूँ, मैंने विचार किया है कि मानव और मानव को लूट रहा है, मानव मानव को काट रहा है, मानव मानव को ठग रहा है, और अपने अपने अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। तो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का भानु ने संकल्प लिया है, तभी भारतीय किसान भानु मैदान में है। और मैं किसानों की, नौजवानों की, छात्रों की, महिलाओं की, मजदूरों की, व्यापारियों की, शिक्षकों की, मीडिया वालों की, पुलिस की, मिलिट्री की, सबकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी मांग है कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए, और 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हो गया है, एक एक पैसा केंद्र बैठे माननीय मोदी जी उसको माफ कर दो, क्यों कि इस देश के किसान को लूटा गया है, इस अन्नदाता को लूटा गया है, इस किसान भगवान को लूटा गया है। हमारा ये बेटा आपको सीमा पे अपने प्राणों की जान की बाजी लगाकर सुरक्षित रखता है, हम आपको पेट भरते हैं, पूरे देश का, पूरे आप कहोगे पूरी जनसंख्या का, पशु पक्षियों का हम पेट भरने वाले, हमारा बेटा रखाने वाला, और जय जवान और जय किसान, और दोनों ही संकट में भारत के राजनेताओं के द्वारा। इसलिए सबसे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो मैंने संकल्प लिया था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ 14 में, फिर वही संकल्प 19 में दोहराया। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के कारण कांग्रेस भ्रष्ट तंत्र, बहन जी